मथुरा और वृंदावन के बीच मेट्रो की तर्ज पर ब्रज हेरिटेज मेट्रो चलेगी। इस बारे में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से दिल्ली में मुलाकात की और इस योजना पर जल्दी ही कार्य कराने का आग्रह किया। रेल मंत्री ने उनकी यह योजना स्वीकार कर ली है। श्रीकांत शर्मा ने फोन पर हिंदुस्तान को बताया कि उन्होंने रेल मंत्री को इस बारे में एक पत्र भी सौंपा। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उन्होंने रेल मंत्री को बताया कि यहां करोड़ों श्रद्धालु और तीर्थयात्री हर साल आते हैं, लेकिन यहां ढांचागत सुविधाओं, विशेषकर यात्री परिवहन सुविधाओं का अभाव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से लीला स्थली वृंदावन तक एक ब्रज हेरिटेज मेट्रो ट्रेन कॉरिडोर विकसित किया जाए। उन्होंने रेल मंत्री को बताया कि वर्तमान में मथुरा और वृंदावन के बीच करीब 15 किलोमीटर रेल ट्रैक है, जिस पर रेल बस चलती है। रेल बस की यह सेवा नियमित नहीं है, इसके चलते रेलवे की इस परिसंपत्ति का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कॉरिडोर को ब्रज थीम के साथ विकसित कर मथुरा वृंदावन के बीच आधुनिक सुविधाओं से संपन्न नियमित ब्रज हेरिटेज मेट्रो ट्रेन चलाई जाए। शर्मा ने कहा है कि ब्रज हेरिटेज मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट मथुरा वृंदावन रेल लाइन पर ही बनेगा। इस कॉरिडोर को साफ सुथरा और हरियाली से परिपूर्ण बनाया जाएगा। श्रीकांत शर्मा ने रेल मंत्री से पलवल तक ही आने वाली शटल ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों को मथुरा तक चलाने की भी मांग की। उन्होंने रेल मंत्री से कहा कि तीर्थयात्रियों के अलावा मथुरा से हर दिन हजारों लोग काम करने के लिए दिल्ली NCR जाते हैं। मथुरा से दिल्ली के बीच दिन में नियमित पैसेंजर ट्रेन न होने की वजह से उन्हें परेशानी होती है। ऐसे में सब अर्बन ट्रेन सिस्टम की अवधारणा पर मथुरा से दिल्ली के बीच नियमित रूप से प्रतिदिन हर घंटे EMU पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए। वर्तमान में दिल्ली से पलवल तक हर आधे घंटे पर EMU ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। इसका विस्तार मथुरा तक किया जाए। यह समय वृंदावन में निवेश के लिए बेहतरीन समय सिद्ध होगा। अगर आप वृंदावन में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो संपर्क करें।